तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम इसे कह सकते हैं, जिसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव, जिसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। बेसिकली इसका नाम पार्शियल दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं इसका। जैसे सिंबल आपका डिफरेंशिएशन का डी होता है, तो इसमें आपका डेल हो जाएगा, क्लियर, यानी कर्ल हो जाएगा, जिसे हम लोग डेल भी कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है इस वीडियो सीरीज़ में। तो बस वीडियो सीरीज़ में अंत तक बने रहिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो बात करते हैं हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। तो सबसे पहले कोई आपका फंक्शन दिया रहेगा, जो कि आपका कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एक्स वाई एंड कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। यानी आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, एक्स कमा वाई है, वो क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, उनका एक फंक्शन दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को किससे, एक पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को किस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो ये जो आपका सिंबल है, जो कि आप कह सकते हैं सिक्स के टर्म में जो आपको सिंबल दिख रहा है, वो डेल है, इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एफ ऑफ एक्स एक्स कमा वाई के थ्रू भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, अगर डेल एक्स बाई डेल की मैं बात करूँ, ओके, डेल एफ बाई डेल एक्स की मैं बात करूँ, उस कंडीशन में इसको लिखेंगे। और या फिर डी एक्स है आपका, तो ये भी आपका एक क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन का सिंबल ही होता है बेसिकली। तो आपको डेल से लेना है, सारी चीज़ें आपको डेल से ही सॉल्व करना होता है मेनली क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए हैं, तो अगर मैं बात करूँ डेल जेड बाई डेल एक्स की, तो ये आपका क्या है, ये आपका इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया, या फिर हम इसे कह सकते हैं डेल एफ बाई डेल एक्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स कमा वाई, या फिर इसे कह सकते हैं डी एक्स एफ। यानी इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है, सेम ही है, जो कि आपका एक्स के रिस्पेक्ट में इसे क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, क्लियर। तो यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि समटाइम्स यूज़ द फॉलोइंग नोटेशन, यानी कुछ समय, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमें कुछ नोटेशन का याद होना कहीं ना कहीं ज़रूरी होता है, इससे क्वेश्चन काफ़ी ईजी होता है और सिंप्लीफाई करने में हेल्पफुल होता है। जो कि आपका डेल जेड बाई डेल एक्स है, उसके जगह पे आपको पी, इसका वैल्यू पी होता है, डेल जेड बाई डेल वाई है, इसका वैल्यू क्यू होता है। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूँ, यानी डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, आर होता है। उसी तरह डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, टी होता है। एंड सिमिलरली डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई का वैल्यू क्या होता है, एस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट नोटेशंस हो गए, जिनको आपको याद करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप अपने कॉपी में इसको सही तरीके से नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। आइए हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन को किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड, एग्जांपल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एक्स का पावर थ्री प्लस वाई का पावर थ्री माइनस थ्री एक्स वाई। यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इस जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है इसमें वेरिएबल कितने हैं। यहाँ पे मेनली इस फंक्शन में दो वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे, एक एक्स और दूसरा आपका क्या, वाई, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और अगेन हमें क्या करना है, अगेन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो दोबारा से हमें उसे क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करें, तो गिवन आपका दिया हुआ जो फंक्शन, डैट मीन्स जेड इज इक्वल टू एक्स का पावर थ्री प्लस वाई का पावर थ्री माइनस थ्री ए एक्स वाई, ये आपका क्या है, इक्वेशन है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो आपका क्या होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स होगा, क्लियर। और यहाँ पे x का पावर 3 है, तो पावर पहले आ जाएगा, पावर में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, डैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस y का पावर 3 एज ए कॉन्स्टेंट रोल प्ले करेगा, तो y का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, डैट मीन्स यहाँ पे 3ay और यहाँ पे x का क्या होगा, 1 होगा। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3ay आएगा, क्लियर। और अगेन इसे हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, देन डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो एक बार फिर हमें इसे क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6x आएगा, क्लियर। और इसका टर्म का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो जीरो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, डेल टू जेड ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स, हमें क्या करना है, इसे भी सॉल्व करना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उस ऑर्डर का क्या है, एक डिफरेंशिएशन का पार्ट ही है। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं डेल बाई डेल वाई इंटू, यहाँ पे जो आप इसका वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे लिया है, इन वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, और इसको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो वाई के रिस्पेक्ट में ये वाला टर्म आपका जीरो हो जाएगा, और ये वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, माइनस थ्री है, तो ये आपको माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये आपका एक आंसर हो गया, एक आपका ये आंसर हो गया, और एक आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब बारी आता है वाई का, वाई को हमें क्या
करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो डेल टू डेल जेड ओवर डेल वाई, तो यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ पे जीरो प्लस यहाँ पे ये क्या होगा, थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री ए एक्स आ जाएगा। और अगेन इसे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डन, डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे सिक्स वाई हो जाएगा, क्लियर। कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद अगेन क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में हमें एक बार और इसे करना होगा, देन डेल टू जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल वाई, देन डेल जेड डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे आपका जो पूरा ये फंक्शन था इनका वैल्यू, और इसे एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो ये टर्म जीरो होगा और इसका जो वैल्यू आएगा माइनस थ्री ए आएगा। और यहाँ से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यानी आपका इसका जो वैल्यू है इनके वैल्यू के क्या है, बराबर है, तो यहाँ से इसका आंसर फाइंड आउट हो जाता है, क्लियर। तो फ्रेंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। फ्रेंड आइए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड ये आपका सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ u = x² tan इनवर्स y / x - y² tan इनवर्स x / y, तो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है del 2 u ओवर del x del y = x² - y² / x² + y², क्लियर। यानी हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी दर्शाना है, दैट मींस del 2 u ओवर del x del y = del 2 u ओवर del y del x, क्लियर। तो सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे लिख लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, क्लियर। दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपको पहले फाइंड आउट करना होगा, यानी एक्स के वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में करना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने वाई के रिस्पेक्ट में इसको फाइंड आउट किया, देन डेल यू ओवर डेल यू ओवर डेल वाई, तो ये आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए यू बाई वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि यू स्क्वायर यू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से जो फॉर्मूला होता है यू बाई वी का, उस फॉर्मूला पे मैंने इसको सेट किया है। और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व किया है वाई स्क्वायर वाले टर्म को, तो टू वाई टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन बाई वन प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बाई वाई, ये आपका क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखेंगे, तो वो आपका x का पावर 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y tan इनवर्स x / y प्लस x y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और इसको आप थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे, दैट मींस आप LCM वगैरह जो लघुत्तम लेना होता है, क्लियर हम कह सकते हैं उसे, तो यहां पे आप उसको लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे वैल्यू आएगा x माइनस 2y tan इनवर्स x / y, क्लियर। तो यहां पे ये वैल्यू आया। उसके बाद हमें क्या करना है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो डेल बाई डेल एक्स है, इन टर्म को तो हम एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे जो आपका पूरा वैल्यू आया है, डेट मीन्स ये डेल यू बाई डेल एक्स का डेल यू बाई डेल वाई का जो वैल्यू आया है, उसे हम लोग पुट करेंगे और इसे क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका क्या होगा, वन होगा, वन माइनस टू वाई, यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स बाई वाई है, यानी यू बाई वी फॉर्मूला पे अप्लाई होता है, तो वन बाई वन प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे ये क्या होगा, वन बाई इंटू वन बाई वाई हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थोड़ा सा आप और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला टर्म यहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला किस पे बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हमें यही प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है यहाँ पे। और उसके बाद सिमिलरली हमें क्या करना है, एक्स का इस पर डिफ्रेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स का है, x का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x tan इनवर्स y / x माइनस आपका क्या आएगा y, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, क्लियर। अब हम देखिए अगला कंसेप्ट में हम इसे क्या करते हैं। फ्रेंड आप इस वैल्यू को जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम क्या करेंगे, इसको इसके वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसके वैल्यू को तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है जो कि इतना आ रहा है, तो यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम इसके वैल्यू को फाइंड कर गए, यानी यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, जो कि 2x tan इनवर्स y / x माइनस y आया है, इन्हीं को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, दैट मींस डेल बाई डेल वाई, और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, और जैसे ही हम इसे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमें प्रूफ करना था, वैल्यू आपके सामने दिख रहा है। तो फ्रेंड आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आया। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें जो आपके फ्रेंड सर्कल में जुड़े हुए हैं, और बेसिकली जो स्टूडेंट आरजीपीवी से जुड़े हुए हैं, उन तक तो ये वीडियो पहुंच ही जाना चाहिए, क्लियर। फ्रेंड मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।